array of monochromatic light passes through an equilateral glass prism in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angles is 3/4 times the angle of the prism. Determine the angle of deviation and the refractive index of the prism. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको दिया है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है. इक्विलेटरल का मतलब उसके सारे साइड सेम होंगी, सारे जो फेस हैं वो सेम होंगे, सेम लेंथ के, और सबका जो है एंगल वो भी सेम होगा. इक्विलेटरल में ये होता ना, इसका मतलब ये सारे एंगल जो है ए बी सी अगर ट्रायंगल मान लेते हैं तो सब कितने होंगे भाई, तीनों 60-60. क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 180 होना चाहिए किसी ट्रायंगल का, और जब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 60-60-60. इसका मतलब एंगल ए बी सी तीनों की वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री. ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है. लाइट इंसिडेंट होती है मतलब यहाँ से मान लीजिए कोई एक लाइट रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई है और इसको पास कर जाती है, मतलब उस तरफ निकल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद. तो बच्चों पहले तो यहाँ रिफ्रैक्शन कराएंगे. कैसे कराएंगे भाई, यहाँ लाइट रे गिरेगी तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है, यहाँ मान लीजिए ये आई एंगल पे गिरी लाइट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. तो जब आई एंगल पे गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा भाई. सिंपल सी बात, बाहर क्या है रेयरर है, प्रिज्म कैसा होता है डेंसर होता है, ग्लास का है या किसी चीज़ का है तो ये डेंसर हो गया. तो जब रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाएगी तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. तो देखो नॉर्मल के पास ऐसे आ गई. ठीक है, अब यहाँ से आगे जब लाइट रे बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, देखो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. क्यों? क्योंकि अब डेंसर से निकल कहाँ जा रही है, रेयरर में. तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा वहाँ पे नॉर्मल पड़ना चाहिए पहले. तो जब नॉर्मल पड़ गया, अब देखो डेंसर से रेयरर में लाइट रे जा रही है तो क्या होगा, क्या ये सीधे निकलेगी, नहीं, अब ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी. किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो हमेशा नॉर्मल से दूर हट जाती है, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है बच्चों, जिस एंगल से लाइट आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जिससे बाहर निकलती नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट एंगल. और ऐसा उन्होंने कह दिया कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल की वैल्यू सेम है, आई इक्वल टू ई है, और इन्होंने कहा ये 3/4 टाइम्स है एंगल ऑफ प्रिज्म के. एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, ये वाला है ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल. तो ये कह रहे हैं कि उसका 3/4 है. अच्छा, यानी कि आई और ई की वैल्यू तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से निकल आ गई भाई. उन्होंने क्या कहा, I इज इक्वल टू ई, और ये किसके बराबर है, 3/4 ऑफ a. a की वैल्यू हम लोग कितनी पता कर चुके हैं, 60. यानी कि I और e दोनों सेम हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो इसको डिवाइड करोगे 15 टाइम्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 डिग्री. यानी कि I और e दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई. ठीक है, अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डेविएशन एंगल. वैसे तो उन्होंने डेविएशन एंगल बोला है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों सेम हो जाते हैं तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल. कौन सा एंगल, इंसिडेंट रे ये वाली और इमर्जेंट रे के बीच बने एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल. और जिस समय I और E बराबर हो जाते हैं तो ये डेविएशन एंगल उस समय मिनिमम होता है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल. अब चूंकि यहाँ पे दिया है ना कि I और E की वैल्यू सेम है, इसका मतलब उन्होंने मिनिमम डेविएशन एंगल की बात की होगी, ये डेल्टा M से लिखते हैं. हमसे कहा जा रहा है बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा M. तो आपको मिनिमम डेविएशन एंगल का फार्मूला पता होना चाहिए. क्या होता था भाई, याद करो, डेल्टा एम बराबर होता है 2i-a. डेल्टा एम बराबर क्या होता है, 2i-a. यहां से आप मिनिमम डेविएशन एंगल निकाल सकते हैं. तो डेल्टा एम कितना जाएगा, 2i. i की वैल्यू कितनी है भैया,
45 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए कहाँ गया, 60। देखो ए भी 60, बी भी 60, सी भी 60, सब तो 60 थे ना, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 45 मतलब 90 माइनस 60, या फिर हम कहें डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो मिनिमम एंगल जो डेविएशन का है वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड पॉइंट की, हमको इसमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है प्रिज्म के लिए बताओ, जब मिनिमम डेविएशन एंगल की बात होती है उस समय फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू। ये फार्मूला होता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब सारी वैल्यू से पुट कर दो, तो म्यू बराबर क्या आएगा, साइन ए, ए की वैल्यू कितनी भाई, 60, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन के लिए कितना आया बच्चों, 30 डिग्री। अच्छा अपान टू, ठीक अपान में नीचे क्या आएगा, साइन ए, ए की वैल्यू 60 अपान टू, देखो कितना बनेगा भाई, साइन ऊपर क्या बना 90, ये 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 अपान टू मतलब 45 अपान साइन 30। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 45 की वैल्यू 1 अपान रूट टू, साइन 30 की वैल्यू 1 अपान टू, तो पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 अपान रूट टू बचा। तो चाहे म्यू को हम लिखें 2 अपान रूट टू या ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो म्यू बराबर क्या बचेगा बताओ, रूट टू ये तो 2 बन जाएगा, 2 अपान टू इंटू रूट टू, यानी कि आंसर आएगा रूट टू। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी रूट टू, या इसको हम लिख सकते हैं 1.414। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, और ये आ गया डेविएशन एंगल इस केस के लिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।